सोलन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि कोविड संकट में भाजपा को प्रदेश हित में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, वे उठाने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को चाहिए था कि वे हिमाचल की जनता को तोहफे देते, लेकिन भाजपा को शायद हिमाचल की जनता और यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि वे हिमाचल का विकास छोड़ अपना विकास करने में व्यस्त है। हिमाचल की जनता महंगाई से जूझ रही है, युवा रोजगार को तरस रहे हैं, सेवानिवृत्त हिमाचलवासी पेंशन को लेकर परेशान हैं, व्यवसाय ठप हो चुके हैं, लेकिन उसका असर भाजपा पर नहीं दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर कार्यालय बनाए जा रहे हैं और हिमाचल की जनता दाने दाने के लिए मोहताज दिख रही है। इस मौके पर शिव कुमार ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि हिमाचल की जनता त्राही त्राही कर रही है, हिमाचल में विकास कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन भाजपा अपना विकास लगातार कर रही है। आज भी भाजपा हिमाचल में करोड़ों रुपए की लागत से बने 6 कार्यालय खोले जा रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल की जनता भी उनकी प्राथमिकताओं को देखकर बेहद हैरान है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जहां एक और कोरोना संकट से जूझ रहे हिमाचल वासियों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए था, लेकिन वे उनके दुखों को दरकिनार कर वे अपने विकास में व्यस्त है। मेरा पहला सवाल जो है वो माननीय मोदी जी से है और भाजपा से है कि 2014 में उन्होंने जो अच्छे दिन दिखाने की बात की थी, क्या वो अच्छे दिन भाजपा के लोगों के लिए या उनके चंद उद्योगपति दोस्तों के लिए थे? इनके तो अच्छे दिन दिख ही रहे हैं। 700 करोड़ का भवन इन्होंने अपना दिल्ली में बना लिया और आज हिमाचल प्रदेश में 6 ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनके भवनों का शिलान्यास होने जा रहा है। इनके भवन बने, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। प्रदेश की जनता तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि जो प्रदेश की जनता ने जिस चीज़ के लिए, जिस बात के लिए, जिस सुविधा के लिए, जिस हक के साथ इनको वोट किया था, क्या ये उस पर उसके सटीक पे पूरे उतर रहे हैं? कोरोना काल में, कोरोना जो महामारी फैली हुई है इसके काल में लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई किसानों के लिए सुविधा नहीं, कोई मजदूरों के लिए कोई राहत नहीं, कोई हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, नवयुवक हैं बेचारे जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई राहत नहीं, किसानों बागवानों के लिए कोई राहत नहीं, कोई छोटे व्यापारियों के लिए राहत नहीं। सिर्फ अपने भवनों का इन्हें ध्यान है, अपने भवन बनाने का इन्हें ध्यान है और इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं। मैं प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या भवन के शिलान्यास से या भवन के बनने से रोजगार मिल जाएगा, आम व्यक्ति को राहत मिल जाएगी? भवन बनाए और कोरोना काल में जो लोगों के प्रति इनकी जवाबदेही है उससे पूरा करें, उसके बाद बनाते हैं ना।